कृपया सभी शांत छोटे बच्चे आवाज नहीं करेंगे। हम सभी अंदर हॉल में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें, आह्वान करेंगे वो भी हमारे बीच में आए। और मेरे जयंती की सभी शहरवासियों को, तमाम आत्माओं को, धर्म आत्माओं को, सब आत्माओं के परमात्मा के बच्चों को बहुत 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 मुबारक। हमारे धाम पर कृनगर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कृनगर में जहाँ पर 11 बजे झंडे का प्रोग्राम रखा हुआ है और 12 बजे जो है वो प्रवचन होंगे और संस्कृत कार्यक्रम होंगे और उसके बाद ब्रह्मा भोजन सभी के लिए रखा है। सभी को प्रसाद वगैरह देंगे और उस परम पिता परमात्मा का संदेश हम चारों तरफ देंगे और अपने सूक्ष्म वाइब्रेशन से सारे विश्व की आत्माओं को उत्काश और शक्तियों का दान देंगे। ओम शांति। तो अभी हम सभी मिलकर के ओम धुनी लगाएंगे 3 बार। सर्वप्रथम मैं ब्रह्म कुमारी जो संस्था है इनका आभार प्रकट करता हूँ कि इनको याद है, एक बार मैं पहले भी आया था, आज दोबारा मौका मिला है। और सबसे अहम बात कि जिस कारण हमारा जन्म हुआ, अगर कोई शिक्षा दीक्षा जो इस मार्ग पे हमें लगाते हैं, ऐसी संस्थाएं ब्रह्म कुमार जो संस्था है, इन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं, इस कठुआ ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड इन्होंने ज्ञान प्रकाशित करने का जो कार्य किया है और आए दिन इसमें इजाफा हो रहा है, इस सबसे नेक काम और सबसे श्रेष्ठ काम, क्योंकि हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम ईश्वर की साधना करें। और जिस कारण हमें ये चोला मिला, उस चोले को कैसे प्राप्त करना है, उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त करना है, एक मार्ग जो हमें हमेशा ऐसे साधक और ऐसे महापुरुष जो हमें रास्ता दिखाते हैं, इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ।
ये हमारे देश की ताकत भी है और यही हमारी संस्कृति है। अक्सर ये बात कहता हूँ कि इसी संस्कृति के कारण पूरा भारतवर्ष जुड़ा हुआ है और यही एक कारण है कि इतने सदियाँ होने के बाद जब से ये सृष्टि बनी तब से ये भारतवर्ष लाइव है। तो उसकी एक सबसे बड़ी जो ताकत है वो आध्यात्मिक की ताकत है और जो जितने भी ये कार्य कर रहे हैं इनको मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विशेषतर कठुआ निवासियों का ये मार्गदर्शन जैसा ये करते हैं उस मार्गदर्शन के लिए और लोगों को संगठित करके उस ईश्वर के प्रति अपना भाव प्रकट करने का जो रास्ता जो बताते हैं उसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि दीदियाँ का ये जो देश के प्रति और हमारे भगवान के प्रति जो प्रेरणा और इतना टाइम निकाल के बच्चों को और समाज को ये टाइम देती हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज हमें भी मौका मिला और मैं काफ़ी समय से इस संस्था से जुड़ा हूँ क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ शिवानी जी को जो टीवी पे आती हैं इनकी ओम शांति की, तो बड़ा अच्छा उनकी प्रेरित हूँ उनसे। तो मैं उधमपुर में भी एक इस संस्था जुड़ के और दीदियाँ देखिए आप कितना वर्किंग करते हैं और एक पॉजिटिव हो रहा है इनके पास बैठने से, जो इनकी ओम शांति का जो प्रचार है जो इनका सेवा धर्म है बड़ी अच्छी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इनको फॉलो करते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इन सबकी संस्था का और इनकी टीम का, डॉक्टर तिलक जी का जिन्होंने आज हमें यहाँ आमंत्रित करके एक शोभा बढ़ाई है इस फंक्शन की, जो झंडा फहराया, इन्होंने शिवरात्रि का जो होता है कोविड की वजह से हो नहीं पाया, मैं सुन रहा था, अच्छी संस्था है और देश को समर्पित है। देखो दीदियाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि इनकी बहुत ही डिसिप्लिन संस्था है। थैंक यू।